अस्सलामुअलैकुम सिस्टर फ्रेंड, यू आर वाचिंग बबली ब्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोग की दुआ से हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जनाब, मैंने कहा चले आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। कल मैं ब्लॉग नहीं बना सकी थी, इसलिए नहीं बना सकी थी क्योंकि बेटा जो है उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। और कोको कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं है। और उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, उसके पेट में थोड़ा सा हो गया था दर्द। तो फिर हम लोग एकदम से एमरजेंसी चले गए हॉस्पिटल। तो वहाँ पे फिर मैं नहीं बना सकी क्योंकि बस निकले और उसके बाद मोबाइल मैं घर पे ही छोड़ गई थी। तो ये है कि उसका फिर टेस्ट वगैरह करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि उसको थोड़ा सा यूरिन में इन्फेक्शन आया। बाकी खुदा का शुक्र है सब ठीक था, बस इन्फेक्शन थी। तो मेडिसिन वगैरह उन्होंने दी हैं तो अब वो खा रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इस वजह से कल का ब्लॉग नहीं आया, उसके लिए माजरत करती हूँ। बाकी आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, मेरे साथ बने रहिए। तो मैंने कहा बालों को भी ब्रश कर लिया जाए। ताकि फिर आराम से ब्रश हो जाते हैं गीले बाल होने, फिर थोड़े हल्के बल्कि वैसे ज़्यादा ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा गीले होते हैं उनमें तो खैर मैं ब्रश नहीं करती हूँ क्योंकि वो मुझे ना मेरे बाल टूटते हैं। बट ऐसे जैसे हल्के फुलके हो ना तो फिर उसमें मैं ब्रश कर लेती हूँ, और तो उसमें बेस्ट रहता है, मतलब मेरे बाल फिर सेफ रहते हैं। और ये थोड़ा सा लगाते हैं लिप ग्लॉस, ये लिप बाम होता है। ये देखिए ठीक हो गया जनाब। डन डना डन, सारी सफाई वगैरह सारी कंप्लीट है, सब कुछ हो चुका है और अब हम भी फ्रेश हो गए हैं। और बाकी ये है कि बस बच्चे होते हैं वो मेडिसिन वगैरह मेडिसिन कह रही हूँ पानी वगैरह नहीं पीते। आपको पता है कि मून जो है वो पानी ज़रा कम पीता है, हालांकि मैं उसको देती हूँ बट वो पानी फिर भी कम पीता है। पंखा चलाते हैं और पानी कम पीता है, खेल में लगा रहता है। उसको दूँ भी तो कहता हाँ मम्मा मैंने भी पानी पी लिया था। तो बस इस वजह से थोड़ा सा ये हो गया था मसला उसको, अदरवाइज़ शुक्र है खुदा का कि कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है और सब ठीक ठाक है। बस उसने एक दो डोज दी हैं मेडिसिन की, वो खाएगा तो बेहतर हो जाएगा। बाकी आप लोग सब दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी आज का मौसम धूप निकली भी है, गर्म वाला मौसम है और आज इतने मज़े का मौसम नहीं हो रहा जैसे पिछले दिनों में बड़े अच्छे मौसम थे। तो अब ना अब मौसम गर्म गर्म में धूप निकली हुई है, ठीक है। और बाकी मिलते हैं आगे। और बाकी ये टॉवल मैंने यहाँ पे ही रखी थी, ठीक है। इस टॉवल को भी मैं उठाती हूँ यहाँ से, ठीक है। और इस टॉवल को मैं जा के रखती हूँ इसकी जगह पे, जो कि इसकी जगह बनी हुई है, ठीक है। ये इसकी जगह है, ठीक है। यहाँ पे टॉवल रखते हैं भाई। बाकी आप इस चारपाई का हाल देख रहे होंगे तो हम भी इस चारपाई का हाल ऐसे ही देख रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से ना, इसकी वजह से अभी हम लोग ने छोड़ दी है इसको। हमने कहा जब इसका दिल बिल्कुल रज जाएगा ना चारपाई खा खा के, जब ये पक जाएगी कि अब मैंने नहीं खानी है, तो फिर हम इसको बनवाएंगे। वैसे इसका ये काम है कि अब इसको कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन जब हम नहीं बनाएंगे तो फटाफट आ जाएगी, अटैक करेगी। तो ये है इसके कारनामे। और खैर ऐसे समय इतनी ना ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि छत पे भी एक चारपाई है, तो शाम में हम वहाँ जाके बैठ जाते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे बेड पे होते हैं, हमारा रात को बेड पे हम सोते हैं, तो शाम में चारपाई पे जाके बैठ जाते हैं। आपको पता सारा दिन मैं होती हूँ घर में अकेली होती हूँ, हस्बैंड तो वो आते हैं अपने वही टाइम पर आते हैं, और बाकी मून है वो स्कूल से आता है और फिर उसके बाद थोड़ी देर उधर होता है, फिर वो ट्यूशन निकल जाता है। बस जैसे बात स्टडी भी साथ साथ, हर चीज़ साथ साथ। तो फिर ऐसे इस चारपाई की भी कुछ ख़ास ज़रूरत भी नहीं, हमें हो रही नीड हो ना तो फिर बनाना ना मजबूरी हो जाती है। मतलब कि पता नहीं नहाने के बाद स्वेटिंग पता नहीं मुझे क्यों हो रही, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। नहाने के बाद होती है, फिर हो जाता है ऐसे। और शायद मैंने लिप
जो बाम थी वो भी लगा ली, इस वजह से शायद हो रहा है, लेकिन खैर जिसकी वजह से भी हो रहा है, तो धूप भी बाहर है, तो जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना फिर वो ऑटोमेटिकली काम ना हो जाता है, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत हो, अभी हमें इसकी नीड ही नहीं, वो खड़ी हुई है पड़ी हुई है ऐसे ही, तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो खैर वो भी आने वाले दिनों में बनवाएंगे हम, और बाकी मून आता तो फिर उससे पूछती हूँ उसकी तबीयत का क्या हाल है, स्कूल में ठीक रहे, क्योंकि कल उसने कहा था कि मम्मा मेरे ना स्कूल सुबह कल सुबह में ना कह रहा था मम्मा स्कूल में भी ना पेन हो रही थी, तो मैं सिक रूम में था, तो मैं गया था, तो मैं वहाँ पे फिर ना थोड़ी देर वहाँ पे बैठा, फिर मैं वापस अपनी क्लास में आ गया, तो मतलब कल स्कूल में उसको पेन शुरू हुआ था, तो हमने कहा भाग दौड़ की वजह से हो रहा होगा, लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, भाई क्यों हो रहा है, तो वो बस फिर दिखाया तो उन्होंने बताया कि भाई ये मसला है पानी कम की वजह से, इसको बोला करो पानी पिया करो, तो अब मैंने उसको दो दो बोतलें भर के दी, क्योंकि उसकी एक बड़ी बॉटल थी, तो वो जो मिलती है तो वो मतलब शौक शौक से उसने ले ली, मगर वो बोतल मैं आपको दिखाऊंगी, देखने में खूबसूरत है पर उसकी क्वालिटी पता नहीं कैसी थी, वो साइड से ना लीक करती है, थोड़ी सी लीक करती, तो एक दिन उसके बैग में वो लीक कर गई और सारी उसकी बुक्स वगैरह, अभी न्यू कॉपीज़ थी तो सारा उसका नाम ना ख़राब शराब हो गया, मतलब सारी बुक्स जो इंक होती है ना वो फैल गई थी, तो फिर मैंने उसको छोटी वाली दो बोतलें दी, कस के ढक्कन उसको मैंने बंद किया, और मैंने कहा ये आपने पानी पीने दो दो बोतलें तीन तीन बोतलें आपने ख़त्म करनी है, तो ये वाली बात है, तो चलें ठीक है जनाब, फिर मिलते हैं आपसे आगे थोड़े और आगे ब्लॉग में जाके, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि भी सारी सफाई हो गई है, ये देखिए सारा कुछ सेट सेट हो गया, मैं इसके लिए बना रही हूँ रोटी, मतलब पराठा, ठीक है, पराठा अंडा खाता है शौक से और सुबह पी के जाता है शेक। ये देखिए जनाब एक प्यारा सा पराठा रेडी हो गया है इसका, ये अंडा हाफ फ्राई अंडा खाता है ये शौक से। हाँ आप आ धो लो, ये आ गया है मून, मून बताओ बेटा आपकी तबीयत कैसी है, अभी अभी आया है ये, पेट पे दर्द हो रहा था, आज भी दर्द हो रहा था, तो मेडिसिन खाएगा ना मेरा बेटा, मेरा बेटा बहुत अच्छा, नहीं वो भी मेडिसिन खाएंगे ना हम लोग तो फिर सही हो जाएगा ना, एक दिन में तो नहीं ना सही होगा, अब जो डॉक्टर ने आपको क्या बोला पानी ज्यादा बोतलें खत्म किए दिखाना सर मुझे, ये देखिए आपको बोला था एक बोतल खत्म, दूसरी शाबाश दोनों बोतल आज खत्म करके आया, वेरी गुड, ऐसे पानी ज्यादा पीना ठीक है, क्योंकि मेडिसिन देती हूँ अभी आपको, फिर आप पहले खाना खा लो और फिर उसके बाद, ये रात को इन्होंने पिज्जा मंगवाया था ठीक है, ये भी मैंने गरम कर दिया और साथ में अंडा और पराठा, अभी खा लेगा और फिर इसको मेडिसिन पिलाते हैं, फिर इसको सुलाते हैं। हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर मेरे व्यूअर्स कर लेंगे और आप अपना भी ख्याल रखें ठीक है जी, ये कितना प्यारा लग रहा है खुदा के फजल से, ये आपका लॉक है ना, ये ना इसके स्कूल में पता है क्यों इसको 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 इसके लिए चाबी नहीं, हम इसको नहीं बांधते एक्चुअली व्यूअर्स, मसला सिर्फ ये है कि इसके बैग से ना बच्चे जो है ना चीज़ें वीज़ें निकाल लेते हैं, तो फिर हम लोग ने इसको ताला रखा हुआ, कौन से वाले सही, वो टीचर वाला मॉनिटर वाली बात दे मम्मा को देखे, अच्छा ओके मजाक कर रहा, मुझे पता है मेरा बेटा, बताओ चल बेटा जल्दी कर, ये वो उसकी जो बॉटल थी जो लीक हो गई थी वो ये वाली बॉटल है, ये ली थी इसने इतने शौक से ली थी, पर ना ये यहाँ से कहीं से ना लीक होती है और उसका सारा मतलब बुक्स वगैरह सारी ख़राब हो गई, सारे जो इंक थी फैल गई थी, अभी किसी ना काम की बोतल है। तो फाइनली फ्रेंड्स हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं और मैं मून को उठा रही हूँ कि मून उठ जा, बूढ़े भी उठ रहा, मून बेटा उठ जाओ, कौन अच्छे हो रहे हैं वो देखें, उठा नहीं अभी तक नहीं उठा जी बेटा, अच्छा रूह अफ़ज़ा मैं दे देती हूँ आपको ठंडा, और ये हस्बैंड ऊंचा बोला कर, मेरे व्यूअर्स को आवाज़ दी जाती है, बस ओके किया मैंने, कोई स्पेशल बात नहीं की,
तो अब मैं जा रही हूँ इसको रूह अफ़ज़ा देने, क्योंकि इसने कहा मम्मा मुझे दूध में रूह अफ़ज़ा डाल दें, तो मैंने कहा चलो जाने से पहले रूह अफ़ज़ा पी के चला जाए, दूध वाला वो अच्छा होता है। तो निकालते हैं दूध ये वाला, ठीक है, ऊपर और ग्लास इसमें देती हूँ, ठीक है। इस दूध के अंदर रूह अफ़ज़ा डाल दिया है और अब इसका कलर ये देखिए जनाब, इससे आपको पता चल गया होगा कि रूह अफ़ज़ा ऐड हो चुका है इसके अंदर। चलिए हम जाके फटाफट से उसको देते हैं। और ये वाला मेरा 100 रुपये का जो नोट है ना, ये फट चुका हुआ है और इसका दूसरा हिस्सा पता नहीं किधर है, तो ये वेस्ट है, ये काफ़ी अरसे से दरी फिर फिर आ रहा है। और जनाब ये जा रही हूँ मैं रूह अफ़ज़ा लेके इसके लिए ऊपर, और दरवाज़ा इसका ना हैंडल इसी ने तोड़ा हुआ है, खेलता था छोटा था तो नहीं नहीं क्या हुआ, हाँ हथौड़े मार मैं, ये लो रूह अफ़ज़ा, ठीक है। और क्या कर रहे हो, जिप नहीं है, खराब है, तो फिर एक काम करो दूसरी वाली इसको पैंट बना दो, इसकी जिप सही तो थी, अचानक से क्या हो गया जिप को, जिप सही करनी आती है ना, जिप सही कर दो। ये वाली पैंट पहन लो मोन, ये रेड वाली, हाँ ये वाली पहन लो, टोकरी ऊपर रखो, अगर मैंने कपड़े धोने हो तो फिर मैं धो लूँगी, अगर नहीं धोने हो तो नहीं धोंगी, लेकिन वो ले जाओ वो वाली उठा के ऊपर, ये बॉडी बिल्डर। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर हम ऊपर से कपड़ा गंदा हो गया, मगर अंदर रुईया धुलवाने वाले, फेंक तो फिर इसको खराब हो गई है, नहीं ठीक है, तो मैं बोल तो रही हूँ ठीक है। ये वाले कपड़े भी इसके अंदर रख लो, बेल्ट के ऊपर जाके मैं उतार लेती हूँ इसके। इस पैंट को पता नहीं जिप को क्या होगा, कह रहे ख़राब होगी, इतनी अच्छी है पैंट, मतलब पैंट तो खैर नहीं है, ये शॉर्ट पैंट है। धोने लगी हूँ कपड़े, ठीक है, ये देखिए पानी आ रहा है इसमें, पानी वैसे मैंने चढ़ाया है, तो मैंने कहा चले मशीन लगा लेती हूँ, यूनिफॉर्म वगैरह भी है, और ये कपड़े मैंने सारे अलग अलग करके रखे हैं, ठीक है, तो धो के फिर आपसे मिलते हैं। हमारे कपड़े गए हैं सारे धुल, बस ये लास्ट रह गई थी चादर, इसको भी निकालते हैं और हो गया काम ख़त्म। और ये सारा सामान जो है ना, ये मैं इसमें रख देती हूँ ताकि कोको जो है ना, आपको पता तो है कोको का। चले ये जी जनाब कपड़े हो गए सारे फिनिश, ठीक है, धुल गए, नाखून हल्का सा टूट गया, खैर सारे कपड़े छपड़े धुल गए हैं। तो चिक्कू आए थे, हस्बैंड आए थे, वो फिर किसी काम से चले गए हैं, और अभी 7:30 हो रहे हैं और अभी मून नहीं आया, आते हुए वो उसको लेके आएंगे मून को। और सेकंडली अब इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, ठीक है, और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कीजिएगा, और जो पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, जिन्होंने नहीं अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी अम्मी हैं, उनको जो है ना बिल्कुल भी मीडिया का, मोबाइल वगैरह का कोई भी कुछ नहीं पता, वो जब भी मैं बोलती हूँ सब्सक्राइब करें वो फटाफट ना हर दफ़ा सब्सक्राइब कर देती हूँ, तो मैं अनसब्सक्राइब हो जाती हूँ, तो वो भी मुझे कहती हैं कि तेरी वीडियो मेरे पास नहीं पहुँचती। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या बात कर, मैंने कहा तो जब तू बोलती है ना बेल आइकन को दबाएं सब्सक्राइब करें, तो मैं हर दफ़ा करती हूँ, तो मैंने उनको कहा कि जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया होता वो सब्सक्राइब बार बार नहीं करते, तो इसलिए मैं आपको भी कह रही हूँ कि जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ऐसे दबाएंगे ऐसे दबाएंगे लाजमी दबाइएगा। ज़िंदगी रही तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, अगले ब्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, हाफ़िज़।